फैन तो चालू करके जाओ। क्या क्या काम आता है तुमको? झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, ये सब छोड़ के मेरे को सब आता है। पर मुझे तो ऐसे भाई चाहिए जिसको झाड़ू पोछा तो आता हुए। ठीक है फिर मैं झाड़ू कर लेंगी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ दो बार। और पोछा? पोछा तो मैं मार लेंगी, पर ऐसे कपड़े से नहीं, वो जो लकड़ी आता है ना उससे ही मारेगी। पाशा 2 मिनट रुकना जरा। चलेगा, खाना बनाने आता है? हाँ आता है, लेकिन मैं आटा नहीं गूंदूंगी, भाजी नहीं काटूंगी और खाना तो मैं नहीं पकाऊंगी। तो क्या करोगी फिर? गैस चालू करूंगी ना। कपड़े धोने आते हैं? वो अच्छे से आता है, पर वॉशिंग मशीन में। और एक बात, मैं सैटरडे संडे बैंक हॉलीडे में काम करने को नहीं आई गया, और अगर बहुत गर्मी रही ना तो मैं एसी में काम करूंगी, और पगार तो मेरे को महीने के पहले तारीख को ही चाहिए। पाशा मैं बोली ना रुक ना जरा, आ रही हूँ मैं। इलावर लोग भी ना क्या बोलने का। और कोई डिमांड है आपकी? हाँ, आपके घर पे कोई शाइनी नाम का आदमी तो नहीं रहता ना? शाइनी नहीं, क्यों? नहीं बाबा, उसको और मेरे सहेली का ना लफड़ा हो गया था, इसके लिए पूछी मैं। नहीं नहीं, वो नाम का तो यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है फिर कल से आती हूँ मैं काम पे। हाँ पाशा आ रही हूँ मैं। ये वाला शोपीस बहुत महंगा है, इसको संभाल के साफ करना, ये अमेरिका से आया है। हाँ भाभी। ये क्या किया तुमने? अभी तो मैं तुमको बोला संभाल के साफ करना और तुमने गिरा दिया। अभी ये तुम्हारे पगार से कट करूंगी मैं। सॉरी भाभी, मैं अभी झाड़ू मार देती हूँ। ये टी शर्ट कैसे फट गई? भाई ने धोते टाइम फाड़ा रहेगा। अरे नई टी शर्ट थी। ये टी शर्ट इतना जोर से क्यों धोया है? फट गया है देखो। सॉरी भाभी, गलती से हो गया। जब से आई हो नुकसान पे नुकसान करे जा रही हो, थोड़ा तो ध्यान से काम करो। सॉरी। वो हाथ में क्या है? ओ, ये मेरे हाथ से गिर के टूट गया। अरे संभाल के काम किया करो ना, इस बार तो पक्का तुम्हारे पगार से कट करूंगी। सॉरी भाभी, इस बार लास्ट है। ये ऐसा कैसा डब्बा है? काफी भारी है, मैला भी है। रुको अभी साफ कर देती हूँ। अरे आंटी ये क्या कर रहे हो? गोपी बहू हो क्या? लैपटॉप क्यों साफ कर रहे हो? बेटा ये मैला हो गया था इसलिए साफ कर रही थी। आप प्लीज उससे दूर रहिए, प्लीज कभी हाथ मत लगाना उससे प्लीज। आज भी लेट हो गई तुम, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। क्या बताओ मैडम, बीपी हाई हो गया था, दवा खाने गई थी। अच्छा, मैं कल नहीं आऊंगी। क्यों? मेरी माँ गुजर गई। तुम्हारी माँ तो पिछले साल ही गुजर गई थी। मेरी माँ नहीं, मेरी सासू माँ, बेचारी हार्ट अटैक से चली गई। वापस कब आओगी? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद क्यों? ये जेल भी जाना है। जेल क्यों? मेरा पति जेल में है, मेरे सास के गुजर जाने के इल्जाम में। तुम्हारी सास तो हार्ट अटैक से मरी थी। वही तो, इसलिए 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी। अभी हॉस्पिटल क्यों? डेथ सर्टिफिकेट लाना है, तब जाके तो मेरे पति को छोड़ेंगे। बहाने पे बहाने, पिछले 2 महीने में कितनी छुट्टी लिया है तुमने? कभी कोई गुजर जाता है, कभी बीमार पड़ता है, कभी गाँव जाना पड़ता है, क्या पता सच बोलते है या झूठ। क्या भाभी आप हम पे कभी तरस खाओ, कितने परेशानियों से गुजर रहे हैं हम, आप नहीं समझोगे। ये लो तुम्हारे पति का फोन आ रहा है जेल से। हेलो। हाँ हेलो। सबके सब झूठे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, थोड़े टाइम में मेहमान आने वाले हैं। हाँ भाभी, हाथों में थोड़ा दर्द है। क्यों क्या हुआ? वो शर्मा जी के घर पे कल बहुत काम करवाया, उनकी बेटी की शादी है ना। को तो पूछना ही नहीं चाहिए था। अरे भाभी मैं आपको बताना ही भूल गई थी। दूध रख के आई थी ना बॉयल करने। अरे हाँ। मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपना काम करके चली जाना। जी भाभी। हेलो। हेलो भाभी, आपको पता है अग्रवाल फोन का
शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। भाभी भाभी, तो हम ये बता रहे थे कि अग्रवाल की जो बेटी है ना, उसके शादी। अरे माया, आज जल्दी आ गई तुम? हाँ हो गया, मैं जाती हूँ अभी। हाँ, इतना जल्दी हो गया? हो गया। ये कैसे साफ किया, कितनी मट्टी है। करती हूँ मैं साफ। तुम्हारा पगार इसमें तो 1000 रुपए कम है। काम शॉर्टकट करोगी तो पगार भी शॉर्टकट ही मिलेगा। हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज तुम घर का ध्यान रखना। जी भाभी, आप टेंशन मत लो। आंटी, मेरा फाइल देखा है क्या आपने? यहाँ रखा। थैंक यू। थोड़ा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज जल्दी आ सकती हो? सबका टिफिन देना है। हाँ अभी आती हूँ। थैंक यू हाँ जल्दी आने के लिए। क्या भाभी, आप भी आप जाके आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी।